बड़वानी जिले के ग्राम छिपाखेड़ी में नर्मदा नदी के बैकवाटर और गोई नदी में बहते हुआ पानी छिपाखेड़ी की लोगों के लिए हर बारिश में मुसीबत लेकर आता है। लोगों को यहां से निकलने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। इतना ही नहीं, आपातकाल की स्थिति में भी वाहन एम्बुलेंस तो दूर, इस नदी से तो पहिया वाहन से भी नदी पार नहीं कर सकती। इसलिए चार लोगों ने पीड़ित को खाट पर लेटाकर कंधे पर उठाया और नदी पार करवाना पड़ती है। दरअसल स्थानीय एक महिला का पैर फ्रैक्चर होने के बाद बड़वानी के अस्पताल में उपचार के बाद मरीज की छुट्टी हो गई। मरीज को परिजन एम्बुलेंस या किसी अन्य संसाधन से घर लेकर नहीं पहुंच सकते थे। इस दौरान गांव के रास्ते में नर्मदा नदी और गोई नदी बीच में पानी होने के कारण रोड से गांव का संपर्क टूटा हुआ है। इसके बाद परिजन घाट के सहारे मरीज महिला को लेकर घर तक पहुंचे। इस घटना के वीडियो सामने आए हैं। बड़वानी से जिला ब्यूरो सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। हम ग्राम पंचायत खासपुर ग्राम छिपाखेड़ी के निवासी हैं। हमारे गांव में सड़क नहीं होने के कारण से आज ये परेशानी आ रही है। आज एक भाई को नदी पार करने के लिए खटिया का सहारा लेना पड़ा और बहुत परेशानी में होकर मजबूरी में हमको ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है और कई सरकार और कई नेता ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज हम भारी परेशानी में गुजर रहा। हमारा गांव छिपाखेड़ी उधर चारों ओर से पानी घेर रखा है। उधर से नर्मदा नदी का बैक वाटर से पानी भर जाती है नदी पूरी और इधर से ये नदी आ रखी है गोई नदी। पानी पूरा नदी में भर रखा, इसलिए खटिया के सहारे लेटाकर एक भाई को हमने नदी पार करवाया। आज सरकार सड़क बनाना चाहिए और हमारे लिए नदी पार होने के लिए व्यवस्था करना चाहिए।